अगर आप ऐप आइकॉन्स को एक एक करके अलग स्क्रीन पर ले जाते हैं तो दूसरा तरीका आजमाएं और सब कुछ एक ही बार में मूव करें। एक आइकॉन को पकड़ें और उसे होल्ड करें और फिर अपनी दूसरी उंगली से उन सभी दूसरे आइकॉन्स पर टैप करें जिन्हें आप मूव करना चाहते हैं। देखिए, आपने जिसे होल्ड किया है ये सारे अब उसी में ऐड हो गए हैं। एक बार जब आप उन सभी को सिलेक्ट कर लें तो उन्हें साथ में स्क्रीन के दूसरे पार्ट में ले जाएं। लीजिए, हो गया। आपके सभी एप्लीकेशंस को बंद करने का एक तेज तरीका भी है। आप शायद उन्हें एक एक करके ऊपर स्वाइप करते हैं और कभी कभी इसमें बहुत टाइम लग जाता है। अगर आप स्वाइप करते समय तीन उंगलियों का इस्तेमाल करते हैं तो आप इसे तीन गुना तेजी से कर सकते हैं। इस तरह आप एक साथ तीन टैब स्वाइप करेंगे। कभी कभी हम अपना फोन किसी वजह से किसी और को दे देते हैं। हाँ, ये बहुत ही डरावना होता है और कभी कभी काफी एम्बैरेसिंग भी होता है जब वो आदमी आपके फोन को स्क्रॉल करने लगता है। इस ट्रिक को सीखने के बाद चीजें बहुत बेहतर हो जाएंगी। आपके फोन में एक गाइडेड एक्सेस फीचर होता है। एक्टिव होने पर यह व्यक्ति को किसी पर्टिकुलर ऐप को छोड़ने नहीं देगा। सेटिंग में एक्सेसिबिलिटी पर जाएं और फिर इसे एक्टिवेट करने के लिए गाइडेड एक्सेस को ढूंढने के लिए नीचे स्क्रॉल करें, इसे इनेबल करें और पास कोड सेट करें। कोई आपका आईफोन लेता है और इसे आपके चेहरे से अनलॉक करने की कोशिश कर रहा है। अगर आप ऐसा नहीं चाहते हैं तो आप बस कह सकते हैं, हे सिरी, ये किसका फोन है? इस कमांड से सिरी फेस और टच आईडी लॉक कर देगी और जो कोई भी आपके फोन को अनलॉक करना चाहता है उसे पासवर्ड टाइप करने के लिए मजबूर होना पड़ेगा। आप किसी भी ऐप को छिपा करके कुछ अलग दिखा सकते हैं। शॉर्टकट पर जाएं, प्लस दबाएं और लोअर पैनल पर टैप करें। ओपन ऐप एक्शन ऐड करें, चूज पर टैप करें और उस ऐप को खोजें जिसे आप छिपाना चाहते हैं और उसे सेलेक्ट करें। उसे फिर से टैप करें, अपनी होम स्क्रीन में ऐड करें, नाम सेट करें और एक आइकॉन पिक्चर चुनें। आप अपनी कुछ फोटोज भी हाइड कर सकते हैं। ऐसा करने के लिए उस फोटो को खोलें जिसे आप हाइड करना चाहते हैं। शेयर बटन पर टैप करें और फिर हाइड पर टैप करें। हिडन एल्बम को खोजने के लिए फोटोज पर जाएं, फिर एल्बम्स पर और यूटिलिटीज तक स्क्रॉल करें जहां आपको हिडन एल्बम दिखाई देगा। तो असल में यह उतना हिडन नहीं है, लेकिन अगर आप नहीं चाहते हैं कि हिडन एल्बम दिखाई दे तो आप उसे भी छिपा सकते हैं। सेटिंग्स में जाएं, फिर फोटोज नीचे स्क्रॉल करें और हिडन एल्बम मोड को स्विच ऑफ कर दें। इसे वापस लाने के लिए इसे वापस ऑन करें। आपकी तस्वीरों में कैप्शन जोड़ने की भी पॉसिबिलिटी है। अगर आप ऐसा करते हैं तो आपको अपनी एक फोटो ढूंढने के लिए सभी फोटोज को स्क्रॉल नहीं करना पड़ेगा। इसलिए अगर आप अपने फ्रेंड के एड्रेस की फोटो लेते हैं तो बस फोटो खोलें, ऊपर की ओर स्वाइप करें और आपको एड अ कैप्शन फील्ड दिखाई देगा। एड्रेस जैसा कीवर्ड टाइप करें और फिर डन। अगर आपको बाद में इसकी जरूरत हो तो अपनी सभी फोटोज को स्क्रॉल करने के बजाय बस सर्च फील्ड में जाएं, एड्रेस टाइप करें और फोटो पॉप अप हो जाएगी। आप किसी भी ऐप में फोटो को ड्रैग और ड्रॉप कर सकते हैं। बस इसे चुनें, टैप करें और इसे होल्ड करें। इसे होल्ड किए रहें और अपनी दूसरी उंगली से दूसरे ऐप पर जाएं जहां आप इसे भेजना चाहते हैं और वहां इसे डाल दें। आप एक लाइव फोटो को वॉलपेपर की तरह सेट कर सकते हैं। अपनी पसंद का फोटो चुनें, शेयर बटन पर क्लिक करें और यूज एज अ वॉलपेपर तक स्क्रॉल करें। इसे बस लॉक स्क्रीन वॉलपेपर की तरह सेट करें और अपने फोन को लॉक करें। अब आप तस्वीर देखिए, इसे टैप करें और दबाए रखें और ये मूव करना शुरू कर देगी। आप किसी फ्रेंड को एक खास ऐप दिखाने के लिए अपनी होम स्क्रीन का स्क्रीनशॉट लेते हैं। अगर आप केवल एक सिंपल स्क्रीनशॉट लेते हैं तो आपको मैसेज में बताना होगा कि वह किस रो में है। अब नहीं, स्क्रीनशॉट लेने के बाद उस पर टैप करें। जब आप एडिटिंग मोड में हो तो प्लस बटन पर टैप करें और फिर मैग्नीफायर पर। ये फीचर एक पर्टिकुलर स्पेस पर जूम इन करने के लिए आपकी फोटो में एक मैग्नीफाइंग सर्कल ऐड कर देगा। स्क्रीनशॉट पर किसी खास चीज को मैग्नीफाई करने के लिए बस इसके साइज और जूम इन या जूम आउट की डिग्री को एडजस्ट करें। सफारी में आप एक ही बार में पूरे पेज का स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, न कि केवल उस हिस्से का जो आपकी स्क्रीन पर है। एक रेगुलर स्क्रीनशॉट लें और फिर एडिटिंग मोड पर जाने के लिए उस पर टैप करें। टॉप पैनल पर फुल पेज ऑप्शन चुनें। अगर आप इसका केवल एक हिस्सा चाहते हैं तो आप इसे क्रॉप करने का तरीका भी चुन सकते हैं। यह काफी हैंडी है क्योंकि आपको अब कई स्क्रीनशॉट नहीं लेने पड़ेंगे। आप YouTube पर सभी वीडियोस या Instagram पर फोटो स्क्रॉल करते हैं और बहुत नीचे तक चले जाते हैं। जब आप वापस टॉप पर जाना चाहते हैं तो फिर से ऊपर जाने की जरूरत नहीं है। बस आप लेफ्ट कॉर्नर में टाइम को टैप करें और यहाँ आपको अपने आप टॉप पर ले जाएगा।
अगर आप म्यूजिक या पॉडकास्ट सुनकर सोते हैं तो इसे रात भर चलाने के लिए टाइमर सेट करने का एक तरीका है। ऐसा करने के लिए क्लॉक पर जाएं, फिर टाइमर पर जाएं, टाइम सेट करें और फिर व्हेन द टाइमर एंड्स ऑप्शन पर जाएं। आखिर तक नीचे स्क्रॉल करें और वहां आपको स्टॉप प्लेइंग बटन मिलेगा, इसे दबाएं और फिर डन पर टैप करें। आपने जो टाइम सेट किया है उसके बाद बैकग्राउंड में आपका मीडिया चलना बंद कर देगा। आई मैसेज में नए कूल फीचर्स हैं। अगर आप किसी खास मैसेज का जवाब किसी मेमोजी के साथ देना चाहते हैं तो आप केवल वही चुन सकते हैं जिसकी आपको जरूरत है और उसे मैसेज तक ड्रैग कर सकते हैं। इसे अपनी मर्जी से कहीं भी रखें और इसी तरह दूसरा व्यक्ति इसे देख पाएगा। मैसेज भेजते समय सेंड बटन को टैप करके होल्ड करें। आप इसे भेजने के लिए कई अलग अलग एनिमेशन इफेक्ट्स में से एक चुन सकते हैं। सेंडिंग इफेक्ट्स देखने के लिए लेफ्ट स्वाइप करें, फिर आप इसे भेज सकते हैं और सामने वाला इसे वैसे ही देखेगा जैसे आपने चुना है। अगर आप अभी अभी टाइप किए गए किसी मैसेज को डिलीट करना चाहते हैं तो बस अपना फोन हिलाएं और कंफर्म करें। अगर आपने अपना मन बदल लिया है और इसे वापस पाना चाहते हैं तो बस इसे फिर से शेक करें। एक और टाइपिंग ट्रिक है नंबर्स का इस्तेमाल। अगर आपको कोई नंबर टाइप करना है तो शायद आप सिंबल मेन्यू पर जाने के लिए 1, 2, 3 टाइप करते हैं, फिर एक नंबर चुनते हैं और फिर वापस आने के लिए ABC पर टैप करते हैं। यह बहुत ही अनोइंग है और अच्छी खबर यह है कि आपको ऐसा करने की जरूरत नहीं है। इसके बजाय बस 1, 2, 3 मेनू को दबा कर रखें, नंबर्स दिखाई देंगे तो आप बस अपनी उंगली को उस डिजिट की ओर ले जा सकते हैं जिसकी आपको जरूरत है। जैसे ही आप अपनी उंगली को होल्ड करना बंद कर देते हैं तो आप टेक्स्ट मेनू पर वापस आ जाएंगे और आप टाइप करना जारी रख सकते हैं। आप अपने इमोजी का रंग भी बदल सकते हैं। सेटिंग में जाएं, फिर एक्सेसिबिलिटी पर जाएं, फिर डिस्प्ले एंड टेक्स्ट साइज चुनें, फिर कलर फिल्टर पर जाएं और उन्हें ऑन करें। आप कई कलर फिल्टर्स में से एक चुन सकते हैं और यह इमोजी सहित आपके डिवाइस के कलर अपीयरेंस को पूरी तरह से बदल देगा। अपने करंट लोकेशन को जल्दी से सेव करने का एक तरीका है। यह असल में तब मददगार हो सकता है जब आप अपनी कार पार्क करते हैं और बाद में उसे ढूंढने की जरूरत पड़ती है। इसे कुछ टैप्स करके सेव किया जा सकता है। तो आप जब किसी ऐसी जगह पर हैं जिसे आप याद रखना चाहते हैं तो बस मैप्स आइकॉन को टैप करके होल्ड करें और पॉपअप मेन्यू से मार्क माय लोकेशन चुनें। आपकी लोकेशन ड्रॉप हो जाएगी और बाद में आप यहां वापस जाने का रास्ता पा सकते हैं। आप अपने सेलफोन पर कहीं भी दिखने वाले टेक्स्ट को टाइप किए गए टेक्स्ट में बदल सकते हैं। नोट्स में जाएं, मिडल में इस ऑप्शन को दबाएं। यह आपकी स्क्रीन को दो हिस्सों में स्प्लिट कर देगा। आप जो चाहे उस टेक्स्ट को स्कैन करें और यह ऑटोमेटिकली इसे टेक्स्ट में बदल कर नोट में डाल देगा। आप शायद जानते हैं कि आपके सेलफोन की साइड में आप अपने फोन को म्यूट कर सकते हैं ताकि आपको कोई कॉल या नोटिफिकेशन न सुनाई दे। लेकिन अगर ऐसे एक या कई लोग हैं जिनके कॉल आप मिस नहीं करना चाहेंगे तो आप उन्हें अनम्यूट कर सकते हैं। अपने कॉन्टेक्ट में जाएं, व्यक्ति को ढूंढें, एडिट कॉन्टेक्ट पर टैप करें और इमरजेंसी बाईपास मोड पर स्विच करें। अब आपका फोन म्यूट होने पर भी अगर यह व्यक्ति आपको कॉल करता है तो आप इसे सुन पाएंगे। कुछ एप्स लगातार आपकी लोकेशन को ट्रैक करती हैं और कुछ केवल तभी करती हैं जब आप उस ऐप का इस्तेमाल कर रहे हों। कुछ पावर बचाने के लिए नॉन एसेंशियल एप्स के लिए लोकेशन परमिशन को ऑफ कर दें। अपने फोन को हफ्ते में एक बार रीस्टार्ट करें। यह आपके फोन की रैम को बेकार के डेटा से भरने से बचाएगा जिससे आपका फोन धीमा भी हो सकता है। आपके फोन की डिस्प्ले को हर समय 100% ब्राइटनेस पर रहने की जरूरत नहीं होती। अगर आप इसे बार बार ठीक नहीं करना चाहते हैं तो इसे ऑटो मोड पर रख सकते हैं या फिर इसे थोड़ा कम करें क्योंकि इससे आपकी बहुत ज्यादा बैटरी खर्च होगी। लो पावर मोड का इस्तेमाल करें। एप्स थोड़े धीमे चल सकते हैं लेकिन आपका फोन तेजी से चार्ज होगा और बैटरी कम खर्च होगी। पुश नोटिफिकेशंस को बंद करें। इसे एप्स की सेटिंग में करें और उनको बंद कर दें जिनकी आपको जरूरत नहीं है। कुछ और सिंपल चीजें हैं जो आप अपने स्मार्टफोन को लंबे समय तक चलाने के लिए कर सकते हैं। इसे ओवरचार्ज न करें या आपके फोन को ओवरहीट कर सकता है जो लंबे समय में अच्छा नहीं होगा। इसे डायरेक्ट सनलाइट में भी चार्ज न करें। असल में अपने फोन को डायरेक्ट सनलाइट में बिल्कुल भी न रखें। हो सके तो इसे ठंडा रखें। चार्ज होते समय इसे यूज न करें। यह एक और कारण है जिससे फोन ओवरचार्ज हो जाते हैं। सबसे जरूरी है एक अच्छा केस लेना। अपना नया फोन लेने से पहले इसे ऑर्डर करें। इमेजिन कीजिए आप किसी लेटेस्ट जेन स्मार्टफोन के साथ स्टोर से बाहर निकले हैं लेकिन आपने इसे अभी तक प्रोटेक्ट नहीं किया है। अचानक आप गिरते हैं और आपका फोन आपके हाथ से फिसल जाता है।
आपकी मेहनत की कमाई बर्बाद हो जाती है। इसके बजाय जैसे ही आप इसे बॉक्स से बाहर निकालते हैं, इसके प्रोटेक्टिव केस को अप्लाई करें। इसे स्क्रैच से बचाने के लिए एक स्क्रीन प्रोटेक्टर भी खरीदें। भले ही आपका फोन गिरने के बाद पूरी तरह से खराब न हो, फिर भी आपको इसकी रिपेयर के लिए खर्च करना पड़ सकता है। इसे चार्ज करने के लिए सस्ते अडैप्टर का इस्तेमाल न करें। इसे आपके फोन की बैटरी को खतरा हो सकता है। समय के साथ आपके फोन की स्क्रीन पर और इसके पोर्ट्स में कुछ गंदगी भी जमा होगी। चार्जिंग पोर्ट, माइक्रोफोन और स्पीकर ग्रिल में किसी भी तरह के लिंट या डर्ट को साफ करने के लिए अपने दिन से थोड़ा सा टाइम निकालें।